हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। मैं आज आपको एक ऐसी मैथ्स की ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे देखकर आपके फ्रेंड्स आपको बार बार पूछेंगे कि आपने यह कैसे किया। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आप मेरी इस मैथ्स की ट्रिक को समझ पाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से खास निवेदन कि अगर आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले मैच के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके फ्रेंड्स को कहना है कि वह कोई भी एक 4 डिजिट का नंबर यहाँ पर लिखे। तो आपके फ्रेंड ने एक नंबर लिख दिया, 2954। ओके, नेक्स्ट समझ लीजिए कि आपके फ्रेंड ने ये एक 4 डिजिट का नंबर लिखा है। अब मैं इस चिट पर अपने फ्रेंड को बिना दिखाए एक नंबर लिख देता हूं। मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहां पर। वह चिट पर नंबर लिखकर मैंने आपके सामने रख दिया है। ओके, अब नेक्स्ट, अब अपने फ्रेंड को इसके नीचे एक और 4 डिजिट नंबर लिखने के लिए कहिए। आपके फ्रेंड ने एक नंबर लिख दिया, 1, 3, 6 और 2। ठीक है, अब मैं इसके नीचे एक 4 डिजिट का नंबर लिख देता हूँ। मैंने जैसे कि एक नंबर लिख दिया है, 4 डिजिट का नंबर लिखा है। अब दोबारा आपके फ्रेंड को कहिए कि वो एक और 4 डिजिट का नंबर इसके नीचे लिख देंगे। जैसे कि हो सकता है आपके फ्रेंड ने लिखा, यह एक नंबर लिखा है। मैं अब दोस्तों, आपकी ये एक लास्ट यहाँ पर स्टेप है, मैंने यहाँ पर एक और नंबर लिखा, मेरे हिसाब से नंबर लिखा है एक 4 डिजिट का। दोस्तों, अब आपके इस जो यहाँ पर इसका हम अगर प्लस करें तो हमारा आंसर आएगा 2, 6, 5, 9, 2। ओके, अब मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा कि ये जो चिट है इसको वो ओपन करें। देखिए, इस चिट में जो भी नंबर लिखा है वही आपका आंसर है। अब आपका फ्रेंड सोचने लगेगा कि भाई आपने यह कैसे किया। तो आइए यहाँ पर ये ट्रिक सीखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रिक कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपके फ्रेंड को कहना है कि इस पेपर पर कोई भी एक 4 डिजिट का नंबर लिखे। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने लिखा 3209। अब आपकी बारी है इस चीट पर नंबर लिखने की। ठीक है, अब तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस चीट पर नंबर कैसे लिखना है। सबसे पहले ये जो भी आपके फ्रेंड ने नंबर लिखा है इसको हम 2 माइनस करके लिखेंगे। अगर हम इसमें 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3207। इसमें से 2 माइनस कर दिया है। अब नेक्स्ट आपको वही 2 माइनस है वो 2 आप आगे लगा दीजिए और अब इस चीट को फोल्ड कर दें थोड़ी देर के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आपके फ्रेंड को बोलना है कि यहाँ पर आपको फिर से एक 4 डिजिट नंबर लिखना है। हो सकता है आपके फ्रेंड ने लिखा एक नेक्स्ट 4 डिजिट का नंबर, 1345। अब आपकी बारी है। अब यहाँ पर हमारी बारी है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन दो जो भी नंबर आप लिखोगे उन दोनों नंबर का टोटल 9 आना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर ये नंबर मैंने लिखा था, इसका मतलब ये 2 प्लस 7 9, 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 8 9। अब यहाँ पर 1 है तो आप एक नंबर लिखिए 8, यहाँ पर ये 3 है तो
तो यहाँ पर लिखिए सिक्स, यहाँ पर ये फोर है तो यहाँ लिखिए फाइव, और यहाँ पर ये फाइव है तो यहाँ लिखिए फोर, ताकि इन दोनों नंबर का प्लस नाइन हो जाए। अब दोबारा आपके फ्रेंड को कहिए कि वो एक और फोर डिजिट का नंबर लिखे, तो उसने लिखा 2305। ओके, अब फिर आपकी बारी है वही फोर डिजिट नंबर लिखने की, और ये लास्ट स्टेप है। इसमें अभी आपको वही करना है कि उन दोनों नंबर का प्लस सेवन आना चाहिए, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, सॉरी नाइन आना चाहिए, टू लिखा है तो ये सेवन आ गया, ये थ्री लिखा है तो सिक्स आ गया, ये ज़ीरो लिखा है तो नाइन आ गया, और ये आपका फोर आ गया। अब आपके फ्रेंड को कहिए कि इन सारे नंबर का वो प्लस करे, इन सारे नंबर को अगर वो प्लस करेगा तो आपके सामने आंसर आएगा 7 0 2 23। अब आपके फ्रेंड को कहिए कि ये जो चिट पे जो आपने आंसर लिखा था वो और यहाँ पर जो भी आंसर आया वो होंगे सेम। सो दोस्तों, अब इस ट्रिक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है कि इस ट्रिक को देखकर आपके फ्रेंड जरूर चौंक जाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।